बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रात ले, इसमें आतिफ वकास। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसकी इंटेंसिटी की। मैं आज पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करूंगा और फिर हम उसको यूज करके एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, दैट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक 11.3 जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई अगर हम किसी चार्ज को, किसी सोर्स चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अराउंड एक रीजन होता है, हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है कि जिसके अंदर उसकी हुक्मरानी होती है कि जब भी कोई दूसरा टेस्ट चार्ज उस रीजन में लेके आएंगे ये सोर्स उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा पाएगा, तो हम उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जानते हैं, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर मास की होती है। हम अगर हर अर्थ की फील्ड की बात करें, अगर अर्थ की फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स जो है, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स और बिल्कुल इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इसलिए ये फील्ड जो है बहुत वास्ट होती है, किसी चार्ज के अराउंड बहुत दूर दूर तक ये फील्ड होती है। और वो आज हम देख लेंगे कि फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, तो इसलिए फील्ड की स्ट्रेंथ जो है डिस्टेंस बढ़ने से कम हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो ज़ीरो नहीं होती। किसी एक पॉइंट पे अगर हमें ज़ीरो फील्ड चाहिए तो हमें डिस्टेंस को इनफाइनाइट लेना होता है, तो उस पर बात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये उस फील्ड की डिफिनीशन है। अगर चार्ज सोर्स चार्ज है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर उस चार्ज के गिर वो रीजन कि जिसमें जब भी कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज लेके आएंगे सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास स्केलर फील्ड्स भी होती हैं, वेक्टर फील्ड्स भी होती हैं। जिस तरह पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, जिस तरह टेम्परेचर एक स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है और इसकी डायरेक्शन जो है ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब जब हम कोई टेस्ट पॉजिटिव, ये कन्वेंशनली हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ, चूँकि ये वैक्टर है तो वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, उसको सोर्स के करीब रिलीज करते हैं। अगर वो जिस डायरेक्शन की तरफ उस पर फोर्स लगे, तो वही फोर्स की डायरेक्शन जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसके ऊपर फोर्स है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। या अगर कोई यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इफ अ चार्ज इज रिलीज्ड इनसाइड अ फील्ड वुड इट ऑलवेज फॉलो द फील्ड लाइंस। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है, चार्ज पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है, लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या जब भी मैं किसी चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड के अंदर रिलीज करूंगा, वो फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है वो चार्ज पार्टिकल हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा? तो ऐसा इसका जवाब मैं यस लिखूंगा। कब? फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड को यूनिफॉर्म लिया जाए लाइक दिस, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये फील्ड लाइंस में फॉर एग्जांपल शो कर लो, तो ऐसे केस में आंसर मेरा होगा यस, बट दैट इज नॉट ऑलवेज, नो नेवर, बिकॉज इट इज ओनली ट्रू
दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म. देन अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. लेकिन अगर फील्ड इस तरह हो, लेट मी चेंज द फील्ड. अगर फील्ड लाइन ऐसी कर्व्ड और इसके ऊपर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूं यहाँ, और अब आपसे पूछूं क्या ये टेस्ट चार्ज फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगा, क्या इस ट्रेजेक्ट्री फील्ड लाइन की, इस टेस्ट चार्ज की जो ट्रेजेक्ट्री है वो वही होगी जो फील्ड लाइन की होगी? आंसर इज नो. ये चार्ज टेंजेंट टू दैट फील्ड लाइन मूव करेगा. कहाँ पे? टेंजेंट टू दैट फील्ड लाइन. लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू. यस, इस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा. और फिर हो सकता है आगे कोई और इस तरह की फील्ड लाइन हो, ठीक है, और ये उस पे लगे और वो उसको फिर अपनी डायरेक्शन में मूव करे. बहरहाल ये बात इस केस में आपने नो लिखना है. कब? जब नॉन यूनिफॉर्म या कर्व लाइंस यूनिफॉर्म ना हो, कर्व लाइंस हो, इस तरह बल्जिंग फील्ड्स. तो ये बात आपके जहन में हो. आपकी टेक्स्ट बुक में एक डिफिनीशन लिखी गई है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस जिस डायरेक्शन में मूव करता है हम कहते हैं कि ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है. उस डायरेक्शन में मोशन ज़रूरी नहीं है, उस डायरेक्शन में फोर्स ज़रूरी. फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उस चार्ज पार्टिकल पे, तो वो डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होती है. लेकिन अगर फील्ड इस तरह हो, कर्व फील्ड हो, तो जैसे आगे हम देख लेंगे डाइपोल के केस में ये फील्ड ऐसी हो सकती है, तो फिर वहाँ पर फील्ड लाइंस जो है ज़रूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइंस के एलॉन्ग मोशन करे, चार्ज लाइन रेक्टिलिनियर मोशन करेगा. और ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे. बहरहाल नेक्स्ट जो है हम देखेंगे किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अगर आप देखें तो इसकी डिफिनीशन क्या है किसी पॉइंट पे. अब ये तो हमने मान लिया कि जी किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिसके अंदर जो इसका जो इसकी फील्ड होती है, जिसके अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने से उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है. अब किसी पॉइंट पे फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. नाउ अगर मैं कहूँ कि जी कोई पॉजिटिव चार्ज है सोर्स चार्ज, और उसकी फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर मैं एक टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ क्यू नॉट, तो ये सोर्स चार्ज उस पॉइंट टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वजह ये है कि फोर्स चूंकि वेक्टर है, डिवाइडेड बाई एनी स्केलर इट्स अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर. और यहाँ से दो बातें हैं. अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये दो पॉइंट्स याद रखिए. अगर चार्ज पॉजिटिव है वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो F और E की डायरेक्शन सेम होगी, तो जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है. एम ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को, दैट इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम टाइम्स ई. तो ये तो बात हुई जी
किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। लेकिन अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए, लेट मी राइट इट हियर, नेगेटिव चार्ज जो होता है टेस्ट चार्ज, यहां पर चूंकि मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, सो यहां पे मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज एक्सलरेट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड लाइंस। दैट इज बिकॉज अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है इस दफा, तो वही इक्वेशन में इस तरह लिखूंगा, एफ वुड बी क्यू नॉट ई, ये तो हमें मालूम है। अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एफ जो है नेगेटिव सम वैल्यू, ठीक है, टाइम्स ई, ये हो जाएगा, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये बात आपने याद रखनी और यहीं से आप इसकी एक्सेलरेशन बता सकते हैं। इस पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद आ जाता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मुझे लाइन ड्रा करने दें इन दो के दरमियान, एंड दैट इज हियर। अच्छा, मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दैट इज हमारे पास अगर इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डैश इंक्रीजेस decreases c remains constant d ना। So, चूंकि यहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स में एक्सेलरेशन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, हमने उसको फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसी सूरत में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लो डाउन होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखी। नेक्स्ट जो है, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स चूंकि कूलॉम लॉ से आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज कोई सोर्स चार्ज ले लेता हूँ पॉइंट चार्ज, और उसके साथ डिस्टेंस आर के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रख लेता हूँ, लेट सपोज आई कॉल दिस क्यू एंड दिस वन इज क्यू नॉट, सो उसके ऊपर ये कितनी फोर्स लगाएगा, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और जब मैं इसको क्यू नॉट में डिवाइड करूंगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट के साथ कैंसल एंड वी गेट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो फिर ये इस तरह हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर so that it will be easier for you. E in vector form can be expressed as kq divided by r square, and this unit vector r shows the direction. kabhi kabhi is unit vector ko pura vector likha jata hai, to aap jante hain unit vector jo hai vector divided by its magnitude hota hai, to isko hum is tarah bhi likh sakte hain kq divided by r cube times यूनिट वेक्टर, और ये मैंने असल में इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर वाला इधर रहता है और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी वेक्टर फॉर्म है,
और ये भी इसका वेक्टर फॉर्म है, दोनों लिख सकते हैं। सो ये तो किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। हम आगे जाकर गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ के जरिए फिर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पॉइंट चार्जेस के लिए जब भी फाइंड करते हैं तो उसके उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं। सो इट टू बेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जी अगर आपके पास कहीं पे एक से ज़्यादा चार्जेस है, लेकिन वो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उन सब की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, और इस चार्ज की वजह से फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लाइंस होगी, सो टुवर्ड्स दिस चार्ज होगी। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उन सब का वेक्टर सम लूंगा, E1 में E2 ऐड करूंगा, E2 फिर E3 ऐड करूंगा और फिर E4। तो इस तरीके से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये वेक्टर्स हैं, और वेक्टर जब भी मिलते हैं टोटल कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, दे ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे के किसी लेक्चर में मैं इस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आज के लिए अब इतना ही इसके मुतालिक आप जान लें तो काफी। यहाँ पे अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, बड़ा सिंपल है, 11.2 आपके टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी गई है, तो फार्मूला क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यों मालूम है, माइक्रो कूलोम्स है तो इसको कूलोम्स में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें, वैल्यूज पुट कर ले और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लाइट, ये आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा, मैं रिवाइज करा दूं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, अगर अकेला पड़ा नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन टुवर्ड द चार्ज पार्टिकल होती है, अगर आइसोलेटेड पड़ा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव करीब करीब इस तरफ पड़े तो उनकी फील्ड लाइन इस तरह होती है कि पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव की इनवर्ड होती है, और इसको हम कहते हैं डाइपोल। फिर अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि दोनों पॉजिटिव है तो फिर यह होगा कि उनकी फील्ड लाइन जो है चूंकि क्रॉस नहीं कर सकती तो दरमियान में फील्ड जीरो होगी। इस पर भी हम आगे इंशाल्लाह किसी लेक्चर में बात करेंगे जब हम मुख्तलिफ पॉइंट चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।